दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सोनी के X7500H सीरीज के बारे में जो लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। तो बात करेंगे उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और क्या नया लाया है इस साल सोनी ने। इसी के साथ ही साथ इस टीवी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ जो इसी साल की 2020 की सोनी की जो दूसरी टॉप एंड मॉडल है जिसको बोलते हैं सोनी का X8000H। तो दोनों ही टीवी को कंपेयर करेंगे, देखते हैं कौन सी टीवी अच्छी है और कौन सी आपके लिए परफेक्ट होगी। तो सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटर आना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे सोनी के X7500H सीरीज के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने एक ही वेरिएंट अभी तक अनाउंस किया है 43 इंच का, और जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 61,900 रुपीज़। इसी के साथ ही बात करें और वेरिएंट्स के बारे में, तो यहाँ पे 49 इंच, 55 और 65 वेरिएंट भी बहुत जल्दी आने वाले। अभी तक सोनी ने ऑफिशियली हमें कोई भी अपडेट नहीं दी है। और अब यहाँ पे बात करें इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये एक 4K टीवी है। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे इसी टीवी में। इसी के साथ ही साथ उसमें जो एक पोर्ट वो आर्क पोर्ट है। और बात करें यहां पे साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहां पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाता है। इसी के साथ ही डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और जब हम बात करें ऑडियो आउटपुट के बारे में, तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा जो स्पीकर्स लगाए गए बास रिफ्लेक्स स्पीकर्स है। अगर आसान भाषा में इस स्पीकर को समझना चाहे तो समझ लो कि ये बहुत अच्छे साउंड प्रोड्यूस करेंगे और ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है इसी स्पीकर की। और बात कर लें यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट दिया गया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो ब्रांड्स है बजट ब्रांड वो आपको दे रहे हैं ब्लूटूथ 5.0, और यहाँ पे आप एक प्रीमियम ब्रांड होके भी यहाँ पे आपने ब्लूटूथ 4.2 दिया है, जो कि एक माइनस पॉइंट होगा मेरे हिसाब से। इसी के साथ ही साथ बात करें वायरलेस कनेक्टिविटी में, तो और भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे आपको वाईफाई एनेबल टीवी तो ऑलरेडी है ही है, इसी के साथ ही डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा। बात करें इंटरनल स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे गेम्स और एप्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब सब कुछ परफेक्टली चलने वाला है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और इसी पे एक लाइक धमाके से बनता है। और बात करें यहाँ पे वॉइस एनेबल्ड फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट तो दिया गया है, इसी के साथ साथ गूगल होम का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होगी, यहाँ पे आपको एप्पल एयरप्ले 2 और अमेजॉन एलेक्सा का सपोर्ट इस टीवी में देखने नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो होता है टीवी का पैनल। तो यहाँ पे लगाया गया IPS पैनल, और जो LED टाइप है एज LED लगाया गया है इसी टीवी में। और जो डिमिंग का फीचर है, यहाँ पे आपको फ्रेम डिमिंग देखने मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग का फीचर देखने नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात है HDR कैपेबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको HDR 10 का सपोर्ट दिया गया, HLD का सपोर्ट दिया गया। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे पिक्चर प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे 4K प्रोसेसर X1 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में, जो सोनी की हर टीवी में आपको लगभग मिल जाता है देखने के लिए। और इसी के साथ ही साथ सोनी हमेशा क्लैरिटी इनहांसर के लिए यूज करता है यहाँ पे X Reality Pro। और दोस्तों अगर आप गेमिंग के शौकीन हो, तो इस टीवी में लगाया गया मोशन फ्लो XR200 का सपोर्ट, जिसके थ्रू गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। इसी के साथ ही साथ जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है या फिर सीन है, उस समय आपको जरा भी ब्लरनेस देखने नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इसी टीवी की। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे कलर प्रोड्यूस करने के लिए सोनी हमेशा यूज करता है उसका ट्राइल्यूमिनेट डिस्प्ले, जिसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी और कलर्स बहुत ही नेचुरल और रिच देखने मिलेंगे इसी टीवी में। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन थे X7500H सीरीज के बारे में। अगर आप इस टीवी को मैं कंपेयर करूं सोनी की X8000H जो इसी साल की टीवी है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस मैंने फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस है कि आपको X8000H में डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने मिलेगा, लेकिन आपको X7500H में वो देखने नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही साथ जो दूसरा डिफरेंस होगा कि यहाँ पे एप्पल एयरप्ले 2 का जो सपोर्ट है वो आपको X8000H में मिलेगा, लेकिन आपको X7500H में नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंस पोर्ट्स को भी लेकर, जहाँ पे आपको X8000H प्रोवाइड करता है 4 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट, दूसरी तरफ आपको सोनी का जो X7500H है वो आपको प्रोवाइड करता है 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट। तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंस है। इसी के साथ ही साथ रिफ्रेश रेट भी जो आपको मिल रहा है X8000H का, वो दिया
दिया है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और दूसरी तरफ बात करें सोनी के X7500H के बारे में तो वहां पे आपको 50 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे कुछ और डिफरेंस के बारे में तो यहाँ पे ऑडियो टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है, जहां पे सोनी आपको X8000H प्रोवाइड करता है डॉल्बी ऑडियो प्लस डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, दूसरी तरफ आपको जो सोनी का X7500H है वो आपको सिर्फ प्रोवाइड करता है डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट। और इसी के साथ ही डिफरेंस होगा वेरिएंट्स को लेकर, जहां पे आपको सोनी X8000H प्रोवाइड करता है 6 मॉडल वेरिएंट वाइज, दूसरी तरफ सोनी का जो X7500H है वो आपको सिर्फ 4 मॉडल प्रोवाइड करता है। तो ये सारे डिफरेंस है, और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया X8000H के ऊपर, ऊपर लिंक कर दूंगा, वहां से चेकआउट कर लीजिए, आपको वहां से भी काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों यही थे सारे डिटेल इस टीवी के बारे में, जहां पे हम लोगों ने कंपेयर भी किया X8000H से। तो यहां पे अगर मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को, तो मैं आप सभी को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सोनी का X8000H लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने मिलेगी। थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। और अगर हो सके तो मैं इसकी बाइंग लिंक अगर मुझे मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। इसी के साथ ही साथ आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ लाइक करना मत भूलिए, लाइक करोगे तो बहुत तसल्ली मिलती है, एक दिल खुश हो जाता है, तो लाइक करिए। और इसी के साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।